जिसके जीवन में जोग और संयोग नाम की चीज है ही नहीं, ना वो किसी से बिछड़ता है और ना वो किसी से मिलता है। जन्माद्यस्यतोन व्याधि तरतश्चार्थे सुविज्ञस्वरात्, समस्त सद वस्तुओं में होते हुए भी विद्यमान है और असद वस्तुओं से पृथक है, ऐसा वो परमात्मा है। कबहू जोग भी, जोग और संयोग नाम की चीज, उसमें वियोग नाम की कोई चीज है ही नहीं, लेकिन देखा प्रगट विरह दुख ताकि, ये मेरे ईश्वर का लक्षण है, आप मेरे इष्ट देव हो। और आप तभी तक संसार में भटक रहे हो जब तक भगवान को पहचाने नहीं हो। ये पहचान तुम्हारी भगवान से कौन कराएगा? ये संत लोग ही कराएंगे। बगैर संतों की कृपा के, बगैर सदगुरु की कृपा के आप ईश्वर को होते हुए भी पहचान नहीं सकते। इसलिए बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। और जब पहचान जाओगे तो फिर क्या काम करोगे? बस एक ही काम करोगे जो हनुमान जी ने किया, प्रभु पहचान। यूं ही पहचाना तो क्या किया? बोले पायू गए हैं चरेना। अगर आपको भगवान के मंदिर आने का मन नहीं करता, टाइम नहीं मिलता, टाइम ना मिलने का मतलब ये नहीं कि टाइम तो सबके पास होता है, जहां चाय है वहां राय है, टाइम तो सबके पास होता है। आपकी लगन नहीं है, आप पहचाने नहीं हो। और जिस वक्त एक आपको बड़ी छोटी सी आपको दृष्टांत सुना, कभी कभी दृष्टांत ये भक्तमाल की कथाएं इसलिए हैं कि इनके माध्यम से आप ठाकुर जी को पहचान। भक्तमाल से इतर ये कथा है, एक कोई सज्जन कथा सुनते थे और कुछ दिन बाद उन्होंने आना, अब ये तो एक महीने की कथा है, चलो महाराज जी का दर्शन कराए हैं, फिर 10-15 दिन बाद फिर दर्शन कराएंगे महाराज जी, फिर क्या आएंगे महाराज जी हम कराएंगे। कुछ दिन बाद आना बंद कर दिया। महाराज जी सुबह वाक कर रहे थे, घूम रहे थे, तुम मिल गए। वही तुम कथा में नहीं आते? हाँ महाराज जी, हम आपकी तरह साधु थोड़ी है, अरे हमको तमाम घर गृहस्थी के काम है, जिम्मेवारियां हैं मेरी। लोग साधुओं को सोचते हैं ये बिना जिम्मेवार लोग हैं। हाँ, महात्मा कबीर साहब जी को लोग मिले तो महात्माओं की मस्ती देख करके गृहस्थियों के मन में थोड़ी जलन होने लग जाती है, कमाते हमें, ये देख कैसे हट्टे चंगे बन करके, क्या चमकदार चेहरा है, क्या लाली है। कबीर साहब जी कहते बाबा हमहू के चेला बनायला, बनारसी भाषा, बाबा हमहू के चेला बना। तो कबीर साहब जी ने कहा हम कहां मना करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रे आपनो सो चले हमारे। ये वो आतंकवादी नहीं थे कि पकड़ा दिया कर ले जाकर के घर जलाओ, वो नहीं, ज्ञान की मसाल दे दी, कहा इससे जो गृहस्थ शक्ति है तुम्हारी उसे जला दो, और जिस दिन उसको जला लो तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो घर पर भाई खटपट, चल जोगी के मठ पर, जोगी ने बताया काम, बच्चा चलते रहो, ऐसे नहीं काम चले। एक महात्मा थे, एक सज्जन ग्रस्त थे, महात्मा बन गए। कभी कभी हमारे यहां पर भी महात्मा भी कई प्रकार के होते, पेट के, चपेट के, लपेट के, अलग अलग प्रकार के और ठेट के। तो वो लपेट के होंगे, लपेट का मतलब ये होता है कि रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, ताक रहे थे कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, महात्माओं की टोली देखी, भूख लगी थी, महात्माओं का चकाचक भंडारा देखा, और चलो इनके साथ में, और दक्षिणा और मिल गई उसको, यार ये तो बड़ा अच्छा है, भोजन भी करो दक्षिणा भी। हाँ पंडितों में कहते दांत घिसाई दक्षिणा। तो महाराज अब वो, इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, तो वो महात्मा बन गए। महात्मा बनने के बाद में बरसाने में आए, बरसाने में वो क्या करते थे, आधे दिन घर रहे
और महात्माओं में रह करके सब इकट्ठा करें, इधर उधर से समेटें और फिर टाइम आए तो घर जा करके सब ट्रांसफर कराए। सो एक दिन बरसाने में आए, ऊपर से नीचे उतर रहे थे और ब्रिज में झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं, आप अपने घर में करते हो ना वो कर्म होता है, और मंदिर में जो आकर के करते हो वही कर्म कर्मयोग हो जाता है। घर में आप झाड़ू लगाते हो ना वो आपका कर्म है, लेकिन अगर मंदिर में आकर के निष्काम भाव से आप झाड़ू लगाते हो, बर्तन मांजते हो, सेवा करते हो, गौ सेवा करते हो, तो ये कर्म नहीं है, ये वो कर्म है जो परमात्मा से योग करा देता है। योग युक्तो भवार्जन, ये वो कर्म है। इसलिए मंदिर की सेवा, मंदिर के बर्तन, किसी किसी का सौभाग्य होता है जिन्हें एक गिलास मिलने के लिए। ब्रजमंडल में जो झाड़ू लगाते हैं उनको झाड़ू लगाना नहीं कहते, सोहिनी सेवा, सोहिनी सेवा। तो महाराज कोई सोहिनी सेवा माई कर रही थी, महात्मा ऊपर से नीचे को उतर रहे थे, वही महात्मा जो बार बार घर चले जाते थे, तो वो राधा रानी की कृपा होनी थी उनके ऊपर। तो वो महात्मा ने कहा, वो झाड़ू लगाने वाले कहा कि बाबा एक तरफ हो जा, एक तरफ हो जा। अब ये शब्द उनके दिमाग में चढ़ गया, राधा रानी जी ने कृपा कर दी उस सोहिनी सेवा करने वाले की उस आवाज से। उनको ये लगा कि राधा रानी जी कह रही या तो घर के ही हो जाओ या संत के ही हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, दोनों तरफ मत रहो, उधर भी और उधर भी। तो वो जो कथा सुनते थे उन्होंने ये कहा कि महाराज अब हम तो साधु तो है नहीं, कैसे आपके पास में रहेंगे, लगातार कथा सुनेंगे। तो बोले करते क्या, बोले घर गृहस्थी है हमारी, जिम्मेवारियां हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, घर परिवार सबको देखते हैं, का सब पूरा दिन उन्हीं के लिए लगा देते। बोले हाँ। बोले वो क्या करते हैं, अरे महाराज वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, घर परिवार वाले प्रेम करते हैं हमसे। श्रीमद् भागवत में एक एक सन्यासी ने एक ब्राह्मण को कहा आओ तुम साधु बन जाओ, महात्मा ने साधु बनने के लिए कहा, गृहस्था सरसा लोके पुत्र पौत्र समन्विता, संन्यास में क्या रखा हुआ, नीरस जीवन है, ग्रस्त जीवन अच्छा। बाद में उसके ध्यान जब खुला तब वो बहुत रोया, तब बहुत रो करके उस आत्मदेव ब्राह्मण ने फिर देखो कैसे कैसे रो करके कहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो फिर उन्होंने कहा वो घर के लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। महात्मा जी ने कहा तुम जानना चाहते वो प्रेम करते कि नहीं करते। बोले महाराज आप क्या बताओगे, हम तो जानते ही। कहा नहीं हम आपको एक उपाय बताते। उन्होंने एक योग की विधि बताई, कहा ये सब आसन करके आंगन में लेट जाना और जब तक मैं ना आऊं घर वाले कुछ भी नाटक करें बोलना मत, आंख मत खोलना। अब पत्नी से कहा कि जरा अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बना के तैयार किया गया। अब उनको याद आया कि महाराज जी ने कहा था मेडिटेशन करना और सब आसन में चले जाना। महाराज सब आसन करके धड़ाम से गिर पड़े। पत्नी जी आई, देखा कि अरे राम राम, बिना खाए पहले ही मर गए, ना हमको खाने दिया ना खुद खाए। अब श्रीमती जी ने सोचा कि अगर मैंने अभी रोना गाना शुरू किया तो लोगों को पता लग जाएगा, तीन दिन खाने पीने को नहीं मिलेगा, इसलिए पहले मैं रसोई घर में जाके खा लूं, उसके बाद में रोने गाने का काम शुरू करूंगी। सो पहले जाकर के भोजन किया और फिर श्रीमान जी के शव को लेकर के वो आधा उसको ठोके और आधा अपना खाए। पूरा परिवार एकत्र, माता अलग रो रही है, भैया अलग रो रहे हैं, पिता अलग रो रहे हैं, महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा क्या बात, कहा कि महाराज, पिता ने कहा कि हमारे बुढ़ापे का सहारा चला गया, मां ने कहा मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया, पत्नी ने कहा मेरा सिंदूर उजड़ गया, बहन ने कहा मेरा श्रावण का पर्व चला गया, भाइयों ने कहा मेरा सहारा चला गया, मेरा हाथ टूट गया, सब रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि काम करो एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाए। अच्छा वो मरा नहीं है, वो सुन रहा है सब, वो लेटा लेटा सब सुन रहा है, ये बात को ध्यान से सुनना आप लोगों को, हो सकता है कभी काम आए। तो महात्मा जी ने कहा एक गिलास लोटा लाओ, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाए। अब वो मंत्र तंत्र हम नहीं जानते, नहीं तो आप हमसे पूछने आ जाओ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, ऐसे तीन बार घुमाया, क्या मंत्र बोला मुझे मालूम नहीं। उसके बाद में कहा आप जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है मेरे पास आ जाओ। बोले क्यों, कहा जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही आना। बोले होगा क्या, कहा जो इस पानी को जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो वो इसको पी ले, उसके बदले में ये होगा कि वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा, वो मर जाएगा ये जिंदा हो जाएगा। अब तुम्हारा जो सब दो कदम पीछे,
पिताजी से कहा कि आप पी लो। कहा महाराज सही बात बताएं? बोले हाँ। बोले घर में सबसे ज्यादा निकम्मा यही था। तो बोले फिर रो क्यों रहे? बोले तो परंपरा है, रोना पड़ता है। मां से कहा तुम पी लो। मां ने कहा कोई जिंदा रहे चाहे ना रहे, इस घर में मेरा जिंदा रहना जरूरी है, नहीं तो भंगे सब ले जाएंगे मायके उठा करके। भाई से कहा तुम पी लो। तो भाई ने कहा कि हम अपने बच्चों के लिए इसके लिए क्यों मरे। पत्नी ने कहा कि तुम पी लो। बोले पितृग्रह का बहु कब ससुरारी। अब महाराज जो दिन कटने थे कट जाएंगे, अब आप कृपा करो, अब जाओ आप, अब आने के संस्कार होने। महात्मा जी ने उसको सिर से हाथ लगाया, कहा बेटा उठ जाओ। वो उठ करके खड़ा हुआ और बहुत रोया। कहा अब ये बताओ तुम सत्संग में आओगे कि नहीं आओगे। बोले महाराज अब आएंगे नहीं, हम चल रहे हैं आपके साथ। संसार की असलियत जब तक आपने नहीं देखी है तभी तक आपको भगवान से प्रेम नहीं है। और जिस दिन तुम संसार